जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं एडवोकेट रमेश एमटी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कई लोगों ने मेरे से पूछ लिया है, तो मैंने सोचा यार चलो वीडियो ही बना देते हैं। इसमें बीएच रजिस्ट्रेशन क्या है और इसमें टैक्स कितना भरना होता है और कितने साल में भरना पड़ता है, हर साल देना पड़ता है या 5 साल में 10 साल में एक बार देना पड़ता है, तो ये कई लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन है। तो चलो हम इस पर आज बात करते हैं। पहली बात तो एक बात ध्यान रख ली, बीएच रजिस्ट्रेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है। बीएच रजिस्ट्रेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी न किसी स्टेट में हर स्टेट की गाड़ी की परमिशन नहीं होती चलाने की, सिर्फ उसका टाइम बाउंड होता है कि 2 महीने 3 महीने तक की परमिशन होता है। तो गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला कि आप बीएच रजिस्ट्रेशन कराओ जिससे ऑल ओवर इंडिया में विदाउट नंबर चेंज आप गाड़ी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह कि इसमें जो टैक्स भरा जाता है वो एवरी 2 ईयर्स, 2 साल के बाद टैक्स भरा जाता है। तो आप किसी में भी ऑनलाइन पे जाएंगे, टैक्स पे करेंगे, गाड़ी नंबर डालोगे, टैक्स भर लोगे। तो यह है एक तरीका, बीएच रजिस्ट्रेशन पे सिर्फ 2 साल का टैक्स होता है, 2 साल के बाद फिर दोबारा आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये एक में इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्त, इसमें किसी भी स्टेट में आप लेके जाओगे ना तो कोई भी ट्रैफिक वाला आपकी गाड़ी को रोकेगा नहीं कि जी बीएच रजिस्ट्रेशन यहां नहीं चलेगी, क्योंकि हर ट्रैफिक वाले बंदे को पता है कि बीएच रजिस्ट्रेशन ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, कोई भी आपको मामू नहीं बनाएगा। तो इसीलिए जानकार रहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं बनाता रहता हूँ आपके लिए ताकि आपको अपडेट होता रहूँ और जिससे आप करप्शन के लिए खड़े हो सके और कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। जय हिंद जय भारत।